पीछे आप पीछे देखिए आप लोग, और देखिए मुकेश बाबा कैसे गोद भर रहे हैं। देखिए मुकेश बाबा यहाँ पे सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे आशीर्वाद देते हैं मुकेश बाबा के। देखिए मुकेश बाबा का तलवार है और मुकेश बाबा यहाँ, देखिए मुकेश बाबा जी जा रहे हैं। अब देखिए मुकेश बाबा जा रहे हैं गोद भरने। आइए देखिए मुकेश बाबा आगे आगे चल रहे हैं। सिर्फ जिनका बच्चों का, और देखिए यहाँ पे मुकेश बाबा का आशीर्वाद है। और यहाँ पे देखिए कोशिश नहीं होना चाहिए यहाँ पे जो मुकेश बाबा है। और शीतला माता की जय, शीतला माता की जय, शीतला माता की जय। सबसे पहले आपका नाम बताओ। मेरा नाम मुन्ना गुप्ता जी है, मैं पलामू झारखंड के रहने वाला हूँ। और जिस तरह हमारे मुकेश बाबा जी का प्रचार हुआ बिहार राज्य में, जनता गरीबों भाई बहनों करोड़ों में भीड़ लगाने लगे देखने के लिए, उनको पास इलाज कराने के लिए। बाकी वहां पे जा जा करके कभी कभी गिरफ्तार भी करते थे कि इनको जेल में बंद करवाते थे। ये बहुत दुख की बात है। मैं जो कांड हुआ था मुकेश बाबा के साथ, तो वो सब जो गलत करवा दिए थे सब, अब क्या मुकेश बाबा का वहाँ से आश्रम सब खत्म हो गया? नहीं, आश्रम अभी है, चलेगा अभी। इनका आश्रम बंद नहीं होगा, आश्रम चलेगा। और जिस तरह इनका देखने में बच्चों लोग का करोड़ों में सही कर रहे हैं, उस तरह पर हिंदुस्तान के देशवासियों का दिल खुश हुआ। बहुत अच्छा। बोले बोले शीतला माता की, शीतला माता की, मुकेश बाबा की, मुकेश बाबा की, मुकेश बाबा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय शिया। इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा हमको। और देखिए मुकेश बाबा कैसे आशीर्वाद दे रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे मुकेश बाबा का बहुत बड़ा चमत्कार है और बहुत ही प्रकोप है यहाँ पे। पीछे आइए, आप लोग शांति से बैठिए, यहाँ पीछे देखिए आप लोग। और देखिए मुकेश बाबा कैसे गोद भर रहे हैं। जय माता की, जय माता की, जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की, जय। यहाँ पे जो मुकेश बाबा है और सामने एकदम साक्षात, और यहाँ पे लोग देख सकते हैं जितना भी लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ मुकेश बाबा का बहुत ही चर्चा है। और जो भी बीमारी है, भूत बीमार, भूत प्रेत, जादू टोना, गुंगा बहरा, आना लंगर, कान कोतर, सभी ठीक हो जा रहे हैं। बहुत अच्छी सोच आप लोग का है, विचारधारा है, जो कि बिना पैसा का इलाज हो रहा है बाबा के पास। मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ कि बाबा एनी टाइम आप लोगों के साथ में और साथ में रहेंगे। जय जय श्री राम, शीतला माता की जय, शीतला माता की जय, शीतला माता की जय, मुकेश बाबा की जय, मुकेश बाबा की जय, मुकेश बाबा की जय। प्रभु जय। आप लोग देख सकते हैं कि मुकेश बाबा कैसे गोद भर रहे हैं, यहाँ पे कितना लोग भीड़ लगाए हुए हैं, और मुकेश बाबा का बहुत ही प्रचार प्रसार हो रहा है। जय जय जय। अब देखिए मुकेश बाबा स्वयं गुहार लगा रहे हैं। जय जय। मुकेश बाबा का आवाज आप लोग सुनिए, खुद बोल रहे हैं, स्वयं अग्निकुंड में प्रवेश कर चुके हैं मुकेश बाबा, और यहाँ पे सबको आशीर्वाद देंगे। बोले शीतला माता की जय, शीतला माता की जय, पूरा दिखाइए, पूरा दिखा दे, शीतला माता की जय, गणेश बाबा की जय, गणेश बाबा की जय, गणेश बाबा की जय, गणेश बाबा की जय। अग्निकुंड में जो अनाउंस कर रहे हैं शायद उनका बाबा वो अपना उसे है उस तरह प्रगटक देवी के रूप में खड़े हैं। उसके बाद वो आशीर्वाद देंगे सभी माताओं बहनों को जो जिसका तकलीफ है। लोगों भीड़ लगाए देखने के लिए, और जिसका जिसका बीमारी है वो उसका सही हो जाए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। मुकेश बाबा की, मुकेश बाबा की, मुकेश बाबा की, मुकेश बाबा की, शीतला माता की, शीतला माता की, शीतला माता की। शांति से बैठिए, जो भी माताओं बहनों भाइयों हैं बहुत दूर दूर से लोग। देखिए यहाँ पे कितना भीड़ लगा हुआ है, आप लोग शांति से बैठिए यहाँ पे।
और अच्छे से और यहाँ पे जो मुकेश बाबा के सहयोगी हैं और यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे आप लोगों के सामने अच्छी जय शीतला मैया की अग्नि महाराज आपको चरण में प्रणाम करते हैं सभी को आप सावलिया भाई सावल काफी लोग बहुत लोग भीड़ एकदम लगा हुआ है बहुत भीड़ लगा हुआ है यहाँ पे कितना भीड़ लगा हुआ है यहाँ पे काफी लोग दूर बहुत दूर से लोग आए हुए हैं चलिए यहाँ पे देखते हैं कैसे बहुत भरे हैं बबिया तो देखिए यहाँ पे जो गोद भरा जा रहा है गोद भरने के लिए यहाँ पे जितने लोग गोद भर रहे हैं इसमें बाबा जी स्वयं गोद भर रहे हैं आप लोग साक्षात देखिए आप लोग जिसको जुड़वा लड़का चाहिए बोला सातो बहन सीतला की जय बोला माई सती की जय बोला अग्नि देवता की जय पवन पुत्र की जय बोला धरती मैया की जय आप लोग हाथ मत करिए बंद आप लोग बंद तो नारी रहे ना ठीक रहे या तो कुछ नहीं ये तेरी आप लोग अपने अपने टाइम का बजट हुआ कसबाड़ी द्वारा निकली उसका आप लोग ध्यान रखिएगा उससे पहले पेट में गर्भ हो जाए ऐसे कि माई का वरदान हो माँ ने वरदान दिए हमको अपना सुबह भी हम बताए थे मेन मकसद एक ही था बदरा पहाड़ी इन्होंने 50 रुपये योगदान दिया तो है ही तकलीफ है लेकिन हमारा मेन तप था बाजिन का गोद भरना और उसका कलंक छुड़ाना इसके लिए हम तप किए कि माँ अगर मिल जाएंगी तो उनसे एक ही सवाल करेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में कोई भी बेटी बहन बाजिन न रहे मुकेश बाबा की मुकेश बाबा की मुकेश बाबा की शीतला माता की शीतला माता की शीतला माता की और तब किए हैं धन दौलत कमाने के लिए नहीं रुपया पैसा के लिए नहीं भैया आप लोगों से अनुरोध है वहाँ के केवल बिल का बोझ भरना वही रहे आप लोग केवल अपना भीड़ लगा रखे हैं
जहाँ मिलेगी तो उनसे एक ही सवाल करेगी कि दुनिया में कोई भी बात काट नहीं रही। तो 17 साल के बाद हमारे सब के बाद माँ ने मिली, माँ से एक वरदान मांगे हैं, माँ हमको 3 वरदान दिए बेटा। अपना वाणी कभी खाली नहीं होता है, माँ ने वरदान दिए। तो आप लोग जो भी टाइम निकलेगा, एक दिन में 55,000 कुछ भरते हैं, सुबह से चालू है। तो जो टाइम निकलेगा आकाशवाणी द्वारा, आप लोग टाइम का ख्याल रखिएगा। गोद भरने के बाद आप लोग आइए या मत आइए, लेकिन मुंडन के टाइम आना है। क्या लगता है, एक बच्चे पे एक ईंटा लगता है, बाकी कोई चढ़ावा नहीं। एक लड़के पे एक ईंटा लगता है, ठीक है? तो आप लोग बोलिए ना। और जो चुनरी है आप लोग को वहाँ पर पेड़ कर बांध देना है। और ये जो नारियल है, ये जो नारियल है तो घर पे आप लोग फोड़िएगा, लाश कटोरी थोड़ा बहुत पानी तो गिरेगा, थोड़ा बहुत बचेगा तो आप लोग को ही पीना है, थोड़ा तो बचेगा, गिरेगा तो भी। सोचना जो भी माता बहन पास पड़ोस की है वो भंडारे के सहयोग के लिए दाल चावल आटा आलू नारियल जब फोड़िएगा जो पानी निकलेगा बेटा आप लोग को ही पीना है। नारियल आप लोग को ही खाना है, किसी को देना नहीं, गर्व का नारियल है, समझ गए ना। जो जितना खाएगा आधा खाएगा, आधा जो बचा तो लुकवा के रखना है ताकि दूसरा कोई आदमी ना खा ले। एक दिन में खाइए, 2 दिन में, 10 दिन में, एक खत्म हो गया तो फिर दूसरा पड़िएगा। और घर पे अगर बत्ती बारना है, शाम को पैर हाथ धो के अपने घर में आंगन में छत पे या देवपुरों वाला घर में 5 अगरबत्ती दीप बाबा के नाम पे, 7 अगरबत्ती शीतला माँ के नाम पे, राम प्रसाद मूसा धारा के भैया रहने वाले घोड़ावल भैया ने 50 रुपए भंडारे में योगदान दिया, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। 19 अगरबत्ती 13 दिन बनना ठीक है बेटा, हमारे काम करता है खोले ना। जो भी भक्तगण को भंडारे में सहयोग देने पा सके आप लोग देख सकते हैं। जय धरती मैया की, जय धरती मैया की, जय। अरे आप लोग का 4 महीना जगह पर आ गए, मिल जाएगा, सब मिलेगा। एक लड़का, शांत शांति से बैठिए आप लोग। 4 महीना 3 दिन एक लड़का, 3 महीना 19 दिन जुड़वा लड़का, कितना 2 ठो लड़का जिसका है, ये जुड़वा वाला कौन है बहादुर, 3 महीना 19 दिन आप लोग। जिसको लड़की चाहिए, जुड़वा लड़की चाहिए तो 1 महीना 22 दिन, और एक चाहिए तो 2 महीना 29 दिन। एक लड़की 2 महीना 29 दिन, जुड़वा लड़का 3 महीना 19 दिन, एक लड़का 4 महीना 3 दिन। जुड़वा लड़का किसो से हाथ उठाओ, उठा जिसो जुड़वा चाहिए। अरे 50 ग्राम पाले भी तुमको रख, नीचे नहीं पलाई। जितना बोलोगे उतना आदेश डाल देंगे। चल नीचे, 3 महीना 19 दिन टाइम लिख लीजिएगा आज के छोड़ के। लड़की वाली हाथ हाथ उठाओ, एक लड़की आप लोग देख सकते हैं कि गोद भर रहे हैं बाबा जी। घर में जाके पति लगे मारे पैसा तो मिलता है, आप लोग पता करिएगा। 1 लाख गरीब के रहने वाले बाबा, उन्होंने भंडारा पूरा का तमाशा देखा था। तो ऐसा करना कुछ ना कुछ चाहिए आप लोग, शांति से लोग बैठे हैं। मुकेश बाबा का जो बहुत ही कृपा है इस पे, मुकेश बाबा का। आप डाल के मैच मारो, ये बेटी के कपूर लाओ, मुझे छुपा के डालो इसमें, मैच मार जाओ। वहाँ नारी और सुनारी बांध के उधर से कान फूकेंगे अभी। जय
शीतला देवी का बहुत ही आशीर्वाद है यहाँ पे। बोले मुकेश बाबा की जय। मुकेश बाबा की यहाँ पे शीतला माता की बहुत ही प्रकोप है।